स्ट्रगल देखो आप आपका हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ फैनिल और आप देख रहे हो ट्रैवल विद केनिता। आप कैसे हो? आई होप कि बढ़िया ही होंगे। तो अभी है कड़वा चौथ के अगले दिन की रात और मोस्टली रात हो ही गई है और यहाँ पे हमारी हो रही है मेहंदी। तो दीदी की कल हो गई और आज मेरी बारी है, तो भाभी मेरे को लगा रही है मेहंदी। मोस्टली लास्ट टाइम तो मुझे किशन ने लगाई थी मेहंदी क्योंकि मुझे इतनी कुछ ज़्यादा आती नहीं है, मैं तो वो चंदा मामा ही बनाती हूँ अपने हाथ में। तो आज भाभी है तो भाभी बना रही है मेहंदी। और वैसे तो हमारे घर में, हमारे एरिया में लाइक कड़वा चौथ मोस्टली नहीं मनाती लेडीज़ क्योंकि ऐसी कोई रिवाज नहीं होता, लेकिन नया ट्रेडिशन है तो सारी लड़की आजकल तो करती है। तो हम सब ने लास्ट टाइम भी किया था और इस बार भी करेंगे। ट्राई करेंगे कि पूरा दिन अच्छे से फास्ट रख पाए। और वैसे लास्ट टाइम तो हमने व्लॉग नहीं बनाया था, पर इस बार तो हम पूरा दिन कंटिन्यू करेंगे। अब मीन्स अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो अभी मैं आपको मेरी मेहंदी दिखा रही हूँ और आपको ऑर्डर देना हो भाभी को तो कॉन्टेक्ट करिएगा। तो ये देखो गाइज, मेरी मेहंदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हैप्पी कड़वा चौथ लिखा है और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे हाथी बनाए हैं भाभी ने। और ये देखो, लास्ट टाइम भी मुझे ऐसी मेहंदी बनवानी थी पर नहीं बना पाई थी मैं, कड़वा चौथ वाला पोज वाली लड़की का वो फिगर वाली मेहंदी। थैंक्स टू भाभी, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है। बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी। आप देखो गाइज और कमेंट करना कि कैसी बनाई है मेहंदी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और ये लड़की मीन्स मैं हूँ, तो भाभी ने लेरियू पहनाया है। हमारे गुजराती में वो फेमस साड़ी आती है जिसका नाम लेरियू है, तो मैं इसकी रील बना रही हूँ। क्या गाना है भाभी? मारा ससरा जिनोली दिल लेरियू रे, मारा सासू ये बाड़ी बात रे। ऐसी हम रील बना रहे हैं अभी क्योंकि ये लेरियू पहनाया है और कल हम बांधनी पहनने वाले हैं, है ना? दीदी आपकी दिखाओ तो मेहंदी, उनकी कल हो गई थी। ये देखो, इनको भी ऐसी ही फिगर वाली लड़की है। और या कड़वा चौथ लिखा है, वहाँ पे अखंड सौभाग्यवती लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन गाइज आप ट्राई करना कि ये फास्ट वाला को ना लाओ, मत लाना क्योंकि मैं ऐसे कर रही हूँ लेकिन वो सब मिक्स होता जा रहा है। तो अच्छे से डिजाइन नहीं दिखती है, मिक्स हो गया अभी। हाँ। मैंने उस पे किया, उन्होंने कल छन्नी रही नहीं, छन्नी छन्नी नहीं रही, मीन्स कल उन्होंने मेहंदी रखी थी पर आज हाथ धोए ना तो जितना फास्ट उसका कलर आया ना उतना फास्ट जा भी रहा है। और कोई भी चीज को हाँ और नीचे कलर ही गिरता हमें दिख रहा है। हाँ तो ऐसा नहीं होता ना मेहंदी में तो चला जाता है। पर हम लेने गए तो दो ऑप्शन थे, उस वो दूसरा था ना उसको हमें लगा कि शायद कलर नहीं आएगा तो ये वाला लिया फास्ट। पुराना वाला कौन होगा, हमने सोचा कि नहीं आएगा तो फिर क्या करे, तो ये सोचा फास्ट कलर है तो आ ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है तो ट्राई करना कि अवॉइड करो। चलता है एक दिन के लिए, हमें एक दिन चल जाएगा पर थोड़े दिन रखनी हो ना तो फिर नहीं अच्छा है। तो और वो मेहंदी वाली खुशबू भी नहीं आ रही है इससे तो नहीं आती। हाँ वरना वो मेहंदी लगाते हैं ना तो खुशबू कितनी मस्त आती है थोड़े दिन, तो पर वो नहीं आ रही है इसमें। तो ट्राई करना कि आप वो ओरिजिनल वाला ही लो, ये फास्ट वाला ना लो। तो गाइज अभी पूरी हो जाए ना मेहंदी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भाभी की एक ही हाथ में हुई है, एक हाथ में बाकी है और उनकी एक हाथ में एडवांस में बना है, कलर चला भी गया है। और उनकी कल ही रखी थी तो वो भी जाने लगा। तो गाइज ये देखिए मेरी मेहंदी बन गई है पूरी, आप बताना कैसी बनी है। यहाँ पे राधा कृष्ण लिखा है और यहाँ पे अखंड सौभाग्यवती लिखा है भव। हाँ और अभी थोड़ी यहाँ पे बाकी है। और ये देखो हम बोल रहे थे कि कौन ये वाले मत लाना, ये देखो किशन फैनिल लिखा सब इकट्ठा हो गया, सब वो पिघलता है हाथ में से, तो ये वाले कौन कभी मत लाना।
मेहंदी हमारी कैसी बनी है और यहाँ पे भाभी स्ट्रगल कर रही है, अपनी मेहंदी खुद बना रही है क्योंकि मुझे इतनी आती नहीं है और मेरे हाथ वैसे भी बने हुए हैं, और एक हाथ में अभी दीदी बनाएंगे उनको, जैसे हम कर सकते हैं वैसा ट्राई करेंगी वो वैसे उनको अच्छी आती है, मेरे को नहीं आती, मैं सिर्फ चंदा दौड़ती हूँ, है ना। हाँ, तो अभी मॉर्निंग में 4 बजे हम उठने वाले हैं और तब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, आप एंड तक ज़रूर देखना और कैसा लगा वो बताना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह के 5:30 बजे है और हम सब नहा धो के तैयार हो गए हैं। अभी 2 लोग नहा रहे हैं ऊपर बाथरूम में, तो मैं अभी दिया पूजा कर रही हूँ, मीन्स मॉर्निंग में जो पूजा करते हैं वो वाली। तो ज़्यादा कुछ तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ पे एरिया में ये पूजा होती नहीं है मोस्टली, लेकिन हम लड़कियाँ सब नए जो है वो करते हैं, तो ट्राई करते हैं जितना हो सके उतना अच्छा हो सक अच्छा कर सके। तो प्लीज़ गाइज कमेंट ऐसी मत करना कि आपने रिचुअल्स ए किए वो किए, हम ऐसा कोई नहीं करते, हम फास्ट अच्छे से करते हैं और भगवान का नाम अच्छे से लेते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी हम सब एंजॉय करते हैं और किसी का अपमान नहीं करते, वो सही बात है। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं और बाद में खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ पे सनराइज 6:30 का ही है, 6:30 बजे का, और अभी बज गए हैं 5:30। तो एक बाजू चाय चढ़ रही है, मतलब चाय बन रही है, और एक बाजू मैं पूजा कर रही हूँ और बाकी सब आ रहे हैं तब तक, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये देखो गाइज मेरी तो पूजा हो गई और अभी भाभी और दीदी दोनों पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 वस्तुएं प्रसाद में धराई है और दिया पूजा कर दिया। हमारी ब्यूटीफुल लेडीज तैयार हो गई है। तो गाइस अभी चाय नाश्ता कर दिया और सनराइज हो गया है, तो मैं और भाभी हम दोनों निकले हैं फूल लेने के लिए, फ्लावर लेने के लिए, क्योंकि दोपहर को पूजा के लिए चाहिए होंगे, तो अभी से हम लेने के लिए निकल गए हैं। क्या बोल रहे थे भाभी? हमने यही सोचा कि अभी एनर्जी ना इतनी ज़्यादा होती है, अभी चाय नाश्ता किया, मतलब सरगी ली, तो एनर्जी फुल है, तो अभी यही सोचा कि फ्लावर लेके आते हैं, शाम तक तो पता नहीं हमारी एनर्जी कितनी डाउन हो जाएगी, और धूप में ज़्यादा जाते हैं ना तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अभी ठंडा ठंडा है, बहुत टाइम के बाद ऐसे मॉर्निंग में निकले हैं चलने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मस्त है, मस्त है। ये देखो ब्यूटीफुल फ्लावर मिल गए है, गलगोटो गलगोटो हो गलगोटो मैं झुकी नली, दो दिन तक दिन तक दिन तक कता वाह ब्यूटीफुल, कितने सारे कलर के फ्लावर है, येलो पिंक ऑरेंज और वहाँ पे पर्पल भी है। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर हो गई है, 3 बज गए, हाँ 3 बज गए हैं, और 3 बजे तक हम ऐसे ही फास्ट में है, लाइक पानी भी नहीं पिया अभी कम बोल रहे हैं, कम सुबह से किसी से बात ही नहीं की है, नॉर्मली सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अभी किचन आए हैं जॉब से, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय, और वो गए हैं नहाने, तो नहा के आएंगे और फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि आज उनकी जॉब थोड़ी लेट ख़त्म हुई, तो 3 बज गए उनको आते आते, तो अभी वो नहाने गए हैं, अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और शाम का स्केड्यूल हम आपको शाम को ही बताएंगे क्योंकि वो रहेगा सरप्राइज आपके लिए, तो मिलते हैं आगे आगे। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और हम सब तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारे साथ है भाभी, वो भी पूजा कर रही है, उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की है क्योंकि वो प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करके पूजा करती है, लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसे ही की थी और इस बार भी ऐसे ही कर रही है, तो उन्होंने सब तैयारी की है। अभी मैं अपनी थाली तैयार कर रही हूँ
उसकी। और पहले मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चल रहा है घर में, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए गाइज, भाभी की ये श्रृंगार भी तैयार किया है भाभी ने, और यहाँ पे फल सब कुछ दिया और सब कुछ, यहाँ पे फोटो लगाई है उन्होंने करवा चौथ के पूजन की, और यहाँ पे प्रसाद भी है, लड्डू और खीर। और यहाँ पे हमारी भाभी, हम दोनों की साड़ी मैचिंग मैचिंग है, सेम टू सेम, एक ही जगह से ली है ना। तो अभी ये पूजा होगी तो मैं आपको दिखा की ली हुई साड़ी है। मेरे भी मेरी सासू माँ ने दी है, यहाँ पे आते वक्त गिफ्ट की थी, सासू माँ ही देते है ना। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम भी यही साड़ी पहनी थी और इस बार भी यही साड़ी पहनी है दोनों ने। तो अभी जो जो होगा पूजा में मैं दिखा रही हूँ आपको साथ साथ में, और पूजा भी करते रहते हैं। की थाली और सब कुछ लेके सब तैयार होके निकले हैं, और सोच रहे हैं कि वो ऊंचाई वाली जगह होती है न्यूजीलैंड में, वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके व्रत खोलेंगे। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि इंडिया में तो रात को लेट लेट भी चांद दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड में नहीं दिखता। तो अभी हम जा रहे है, और एक बात मैं बताऊँ कि हमारे घर में एक इकलौते दामाद हमारे, मतलब दूसरे है पर वो कनाडा में है, वो न्यूजीलैंड में इकलौते दामाद है श्रीमान बंसी कुमार, उन्होंने आज हमारी दीदी के लिए व्रत रखा है। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है, हमारी दीदी इतनी गुणवान है, छुप रही है। उनके लिए व्रत रखा है। जीजू बोले कि मैं अकेला जी के क्या करूंगा, तो हम दोनों साथ में वो चौकठे बदलेंगे एक दूसरे के, एक ही चौकठा लाने का 100 साल तक, मतलब एक दूसरे के चेंज करके खाने का, ठीक है ना। और मेरे को एक बात अच्छी लगी कि फैनिल ने लास्ट टाइम उसने व्रत किया था तो थोड़ा लाइक मूडलेस थी और गले में थोड़ा कुछ हो रहा था, पर इस बार उसको कुछ नहीं हुआ है। और वो सोच रही थी क्योंकि उसको क्या हुआ लास्ट टाइम, जो जिसने व्रत किया उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे उसको थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह होगा, जैसे उसने खाया उसका वैसे ही वॉमिट हो गए। तो इस बार उसने और हमने ऐसा सोचा था कि वो फ्रूट खा के या पानी पी के और फ्रूट खा के करेगी व्रत, लाइक ऐसे नॉर्मल नहीं करेगी। तो फिर भी उसने कंट्रोल किया है और उसको कुछ इसमें जरूरत नहीं पड़ी है, तो बहुत अच्छी बात है और प्राउड वाली बात है मेरे लिए। तो और मुझे अभी टेंशन वो बात का है कि आज तो चलो निकल गया, कल कुछ ना हो के लिए मैं अभी थोड़ा टेंशन में हूँ। जो कल होगा वो बताएंगे, सॉरी बताएंगे नहीं हम आपको, सॉरी दिखाएंगे नहीं बताएंगे हम आपको कि कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी दूसरे दिन, पर इस बार तो मेरे को अच्छा लग रहा है। कल मंडे है, मेरी कॉलेज भी है, तो आई होप कि कुछ ना हो तो अच्छी बात है। और वैसे मंडे का भी फास्ट हम करते हैं रेगुलर वाला, तो सोचते हैं अभी क्या होता है, पहले सुबह उठ के देखेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई ना तो हमने सोचा कि फ्रूट खा के पानी पी के जूस पी के ऐसे वाला व्रत करूंगी मैं, पर मेरे से कंट्रोल हो गया तो मैंने वो सब करते हैं ना वैसा वाला ही किया, बिना पानी वाला। पर अभी तक मेरी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मुझे ऐसे तैयार होके वो घूमने वाली चीजें होती है ना, वो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अभी तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक करवाने वाले हैं, अगर अच्छी लाइटिंग मिल गई तो फोन की लाइट से करेंगे जो। हाँ, तो अभी हम आगे आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है,
और प्लीज गाइज आप ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि आपने रिचुअल्स फॉलो नहीं किए, वर्क नहीं किया, क्योंकि जितना हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरा कंफर्म, मतलब जो जो होता है रीति रिवाज, हाँ उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कॉल करते हैं घर पे मम्मी पापा और लाइक हाँ, जिसको पता है ये चीज के बारे में, उसको कॉल करते हैं, उसको पूछते हैं कि ऐसे करें हम या कैसे करना है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे कर सकते हो आप, वैसे हाँ, हम करते हैं, हम भी ऐसे इतने हम भी ऐसे नए ही है, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें सब पता हो, और हमने फास्ट किया है वो 7.5 घंटा ज्यादा किया है इंडिया वालों से, क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी टाइम हो रहा होगा बहुत, दोपहर हो रही होगी ना, लेकिन इंडिया वाले सेम ही होता होगा, सेम होता है, इधर 8:30 बजे चंद्रमा निकल जाता है, चंद्रमा इधर पता नहीं, इधर टाइमिंग कुछ और दिखा रहा है 9:30 11:30 तब भी नहीं दिखेगा, तब भी नहीं दिखेगा, 12:30 तोड़ा, फिर बाहर जाके आधे घंटे के बाद दिखा था, मतलब 1 बजे सोचते हैं आगे जाते और आपको दिखाते हैं तक, जो भी है या जो भी है वो हमारे लिए भी सरप्राइज है और आपके लिए भी सरप्राइज है, तो हम दोनों मतलब हम सब साथ में सरप्राइज का एंजॉय करते हैं। तो गाइज अभी अंधेरा तो मोस्टली हो गया है, और मतलब अंधेरा भी नहीं है, उजाला भी नहीं है, मतलब मिक्स मिक्स सब चल रहा है, और अभी हम चढ़ के जा रहे हैं टेकरी पे, वो घूमने आए हो ना वैसा लग रहा है, हाथ में पूजा की थाली लेके, और किशन गए हैं नीचे गाड़ी पार्क करने के लिए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर, और ऊपर जाके देखते हैं कैसा नज़ारा है, पहली बार मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ नया वाला है यहाँ पे, और एक्साइटमेंट की तो क्या ही बात करें, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखो गाइस सिटी पूरी दिख रही है, चमक चमक है, और सामने रहा स्काई टावर, ये वाला ब्लर हो रहा है थोड़ा बट इट्स ओके, जितना आंखों से खूबसूरत दिख रहा है उतना कैमरे में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये रहे सब धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, काले काले, फ्लैशलाइट में फोटोज वो बहुत वाइट वाइट आ जाता है, तो ये सब बोले कि तूने मेकअप ज्यादा किया है, मैंने नहीं किया है ज्यादा, नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन वो तो थोड़ा रहेगा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस अभी यहाँ पर जो कल दिवाली का व्लॉग डाला उसका फायरवर्क्स हो रहा है, देख रहे हो इतना जूम करके ऐसा आ रहा है, लेकिन ये जो देख रहे हो वो फायरवर्क्स हो रहा है, जो हो रहा है वो फायरवर्क्स हो रहा है, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लाइट देख रहा, बहुत ही अच्छा हो रहा है गाइस। यहाँ पर दिया प्रकट दिया जला रहे है, तो स्ट्रगल देखो आप कितना, क्योंकि हवा बहुत चल रही है उसकी वजह से, कितने हाथ है।
गाइस जीजू ने दीदी को ये गिफ्ट दिया है, देखो पता नहीं क्या है इसके अंदर। अभी खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। और अनिल ये आपका गिफ्ट सच में, अब थोड़ा भारी है, पकड़ना अच्छे से। अभी जो जब ये ओपन करेंगे तभी पता चलेगा आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। ओके चलो ऐसे करते, चलो फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ। होटल बाबे की गिफ्ट पहले से होटल में पहुंच गई है। तो गाइस ये जमीन भाई की गाड़ी कुमार लेके आ रहे हैं, मैं और फेनिल हमारी गाड़ी में जा रहे हैं। मैं तो आपका गिफ्ट पकड़ लेता हूँ। आपका कैसा है सेलिब्रेशन पूरा? बहुत ही अच्छा। वैसे क्या हुआ, जल ही नहीं रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी देखो अभी कितना मस्त, क्योंकि अभी घी और दिया गर्म हो गया है ना सभी से लिए। तो मतलब अंधेरे में आए थे पर हो गया, अच्छे से पूजा हुई, ट्राई किया कि जितना हो सके उतना अच्छा हो, बाकी भगवान माफ करे गलती हो गई तो। ठीक है अभी हम आए हैं स्वागत द डिलाइट द वेजी डिलाइट, हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आए हैं अभी, क्योंकि घर पे खाना बनाना लेट हो जाता इसीलिए। गाइस अभी फैनिल उसकी गिफ्ट खोल रही है और अभी हम पहुंच गए होटल में। मैं भी सोच रहा हूँ क्यों किया। शादी से पहले बहुत गिफ्ट मिले मैंने। मुझे क्या पता आपकी इच्छा आपका है। अभी कितना खोखा दिया है भाई ने और खोखा निकला है। मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर आया है ये। क्या हुआ? मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। आपने क्या सोचा था मैं क्या दूंगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि मैं दो तीन दिन से लिपस्टिक की बातें कर रही थी, तो आप शायद लिपस्टिक लेने गए। नहीं नहीं मैंने दो तीन दिन से लिपस्टिक की बातें नहीं कर रही थी कि मेरे को ये शेड चाहिए वो शेड चाहिए, तो मुझे लगा आप लिपस्टिक ही लेने गए हो। ना ना और ये तो अभी फैनिल को चाहिए था तो आई नो
उसने देखा भी नहीं था वेबसाइट पे क्या है क्या है, लेकिन मैंने थोड़ा देख के रखा था, तो आज ही मुझे विचार आया कि मैं ये चीज लेता हूँ और कुछ नहीं लेना। कैसा लेता हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर लूंगी। हाँ, मैंने लास्ट ईयर उसको चॉकलेट ही दिया था, तो लास्ट ईयर मैंने कुछ नहीं दिया था, तो मैंने बोला कि लास्ट ईयर का और इस बार का थोड़ा अच्छा गिफ्ट दे देता हूँ। ओके गाइस, चलो खाना आता है। अभी क्या आया है, रॉयल लस्सी है, जमीन भाई की बटर मिल्क है। उनको टेक्सिंग और ये टेक्स्ट करना है किसी को, पूरा दिन टेक्स्ट करते रहो, क्या बोलते हो है बिट्टू, पूरा दिन टेक्स्ट करते रहते हैं किसी को। डेढ़ साल पहले आपका भी यही हाल था, मैंने तो तब कुछ नहीं किया। क्यों टेंशन में है? क्योंकि उनको करवा चौथ के लिए कोई मिल गया। हाँ, मिल गया, हमें क्या पता। तो गाइस खाना गया है, तो ये अदरक की लहसुन है और ये पनीर अंगारा है, पनीर की सब्जी है दोनों। थोड़ा स्कैम ये हो गया कि सूप ऑर्डर किया था लेकिन सूप आया ही नहीं है, तो अभी आ रहा है, तो उसका वेट करने वास्ते अच्छा है। हाँ, बहुत बिजी है, तो उनको सूप नहीं आया तो सब भूखे है, तो सब खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो गाइज आपको कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर से कमेंट में बताना, और ये आज ये ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।